हर साल की तरह इस साल भी माल टिकरी के रॉयल गार्डन फेमस फंक्शन हॉल में अतार तंबोली मनियार सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तमाही शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मेहमान खसूसी में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत दर्ज की। इस तकरीब में 8 जोड़े रिश्ते अजवाज में मुंसलिक हुए। तमाम जोड़ों को ATM कमेटी की जानिब से ज़रूरत ज़िंदगी का सामान तोहफे व तोहफ़ दिए गए। मेडिकल फील्ड में ब्लड 2015 से अभी तक 70 इस्तेमाली। बुनियादी तौर पर जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए तो पहले ये पढ़ाओ, ये दौर तालीम का दौर है, ये दौर कलम का दौर है, ये दौर प्रेरणा का है और जिंदगी सही माने में गुजारनी है अपने औलाद को तालीम पढ़ाओ, ये दौर तालीम का दौर है, ये दौर कलम का दौर है, ये दौर प्रेरणा को कम कर 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 अपनी औलाद को पढ़ाओ। देखो जो कौमे का तरक्की याफ्ता होते हैं उनके माशी एतबार से कैसे मजबूत किया जाए, उनके तारीफ बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप नहीं समझ सकते इस वक्त में बेलोस खिदमत करने में। अकबर अम्मी कहते हैं बेटा आप तुझे एडमिशन कैसे लेना है। नाना मैं आपसे बिलखुसूस कह रहा हूँ, हमारी अपनी कौम, हमारी अपनी बिरादरी। अकबर अम्मी कहते हैं बेटा आप तुझे एडमिशन कैसे लेना है। नाना अरे वो कौम जिसकी बुनियाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसा है उससे मुखातब होकर कहा कि सुन ऐ अबू जहल की बात करता है, सुन अबू जहल सुमैया रसूल जाकर उन्हें बताए कि बेटी ईमान बहुत कीमती चीज है, ये मुल्क अपने बहनों को दर्ज दो, अपने बेटियों को दर्ज दो कि बेटी ईमान सबसे कीमती चीज है। लाया और खड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ATM कमेटी नांदेड़ के जानिब से कुछ बातें करना ये चाहता हूँ कि मैं हमारी ATM कमेटी तकरीबन नांदेड़ शहर के अंदर तकरीबन 9 साल से काम कर रही है और इस बार ये 7वीं मरतबा हम इज्तिमाई शादियाँ करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ हो चुकी 7वीं बार, इसलिए कि पिछले 2 साल लॉकडाउन में गए 2020 और 2021, इसीलिए वो वहाँ पर डिसकन्टिन्यू हो गया था, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारे ATM कमेटी का मकसद ये है कि उम्मत के अंदर सादगी, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबक सिखाया वो सादगी पसंद, तो हम भी सादगी इख्तियार करना चाहते और पूरा मैसेज ये देना चाहते कि सादगी के अंदर हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शिफा हमारे साथ है और अल्लाह ताला ने भी हमको हुक्म दिया है कि बिला फजूल खर्ची करना और शैतान के भाई बिरादरी में से है, तो हम बिला वजह कोई फजूल खर्ची नहीं करते हुए सादगी से यहाँ पे आगे बढ़ाए और दुल्हा दुल्हन को तोहफे की शक्ल में तकरीबन 100 चीज़ें यहाँ पर दी गई, जिसमें बड़े बड़े आइटम कहा गया तो गोदरेज कपाट है, अलमारी है, कूलर है, मिक्सर है और उसके साथ दीगर चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी है दुल्हा दुल्हन को तोहफे की शक्ल में दी गई। हमारा आगे भी मकसद है कि ATM के अलावा भी अभी इस मेलावे के अंदर खाली ATM के ही लोग नहीं है बल्कि ATM के बाहर के भी दुल्हा दुल्हन है जिनकी हमने आज शादी की। हम आगे ये भी इरादा रखते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई है उनके भी हम यहाँ पर शादी करना हमारा मकसद है, क्योंकि उनके अंदर भी गुर्बत भरे लोग है, हम चाहते हैं कि उनको भी इसमें शिरकत करें, लेकिन माश की वजह से हम ये काम को रोके रखा है। इंशाल्लाह जब माश आ जाएंगी तो हमारे हिंदू बिरादरी भाई को भी हम यहाँ पे बुला के काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATM कमेटी की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो चुके हैं और हर काम जैसे हमने स्टेज के ऊपर बात रखी कि बहुत से एक्टिविटीज़ है हमारी, उसमें से एक शादी मेड़ावे की भी एक्टिविटीज़ है और जैसा सर ने सारी बातें बताई कि अगर से इंशाल्लाह ताला हमको ताउन अच्छे से मिलता रहा और जो जितने भी जोनल जो हमारे काम करते और जो हमारे साथ में जो टीम वर्क में जो जो लोग रहते और हमारा एजुकेशन फील्ड के अंदर भी जो लोग ताउन करते और जो पंच कमेटी के अंदर भी हमको जो वक्त ताउन करते,
इन सब की तरफ से और आने वाले तमाम मेहमान और तमाम उम्मत की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज 8 शादियां हुई है, जिसमें दो सुबह में हुई थी, कुछ उनके मसले थे, उसको हमने अपने शादी में उनको शामिल करते हुए अपने सारे जहेज़ वगैरह खाने का जो भी हमारा सारा जो सिस्टम है उसमें उनको हमने शामिल किया, जिसमें से 6 शादी के जो दूल्हे थे स्टेज पे थे हमारे। आज माशाल्लाह 26 जून बरोज़ बुध बाद नमाज असर एटीएम के नाम से यहाँ पर एक कमेटी कायम की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लेकिन फुल फॉर्म इसका यह है, अत्तार, तंबोली और मनियार, ये 3 तबके हैं और तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और 12 साल से 11 साल से लोग काम कर रहे हैं। अभी तफसील से मालूम ये हुआ कि ये इज्तिमाई शादियों के साथ में मेडिकल कैंप भी चलाते हैं, ट्यूशन के लिए भी बच्चों के लिए काम करते हैं, कोरोना में बहुत सारे रिफाई काम किए माशाल्लाह, यही नहीं खतना कैंप भी किए माशाल्लाह, गरीब गुरबा के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। ये तबका यकीनन पिछड़ा है लेकिन इनके काम देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं तमाम परवानी, हिंगोली और अतराफ जितने भी बरादरी के लोग हैं, मैं तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि ये एटीएम के जितने भी रुफ़ा है, जो कमेटी के जो लोग हैं, ये मुखलिसीन हैं। जब भी आपके पास कोई काम के लिए अगर आपके पास जो है कोई इल्तिजा करे तो इनका भरपूर ताउन करें। नांदेड़ शहर के बरकत कॉम्प्लेक्स रोड बाबा पेट्रोल पंप के करीब वाक़े क्विंस डिज़ाइनर सूट एंड एम्पोरियम में शादी ब्याह, दीगर तकरीबात और यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस का स्टॉक आ चुका है, जिसमें ग्राहकों के लिए इस शोरूम में नित नए डिज़ाइन के कराची सूट, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट, शर्ट, शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दिगर फंक्शन के बेहतरीन डिज़ाइन के सूट मुनासिब दामों में दस्तियाब है। वाज़ह हो के दुबई, मुंबई, हैदराबाद जैसे कपड़े अब नांदेड़ शहर के क्विंस डिज़ाइनर सूट्स एंड एम्पोरियम एक ही छत के नीचे दस्तियाब है। क्विंस डिज़ाइनर सूट एंड एम्पोरियम के प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो नित नए स्टॉक के माल की ख़रीदारी करने के लिए इनके शोरूम पर एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है बाबा पेट्रोल पंप, नज़्द बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़।